हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। करंट प्लस टी का एक क्वेश्चन। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट्स विद अ मीटर ब्रिज द गैल्वेनोमीटर शोज नल पॉइंट व्हेन द जॉकी प्रेस्ड एट 40.0 सेंटीमीटर यूजिंग द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस 90 ओम एस ऑन द फिगर। द लीस्ट काउंट ऑफ द स्केल यूज इन मीटर ब्रिज इज 1 मिलीमीटर। द नॉन रेजिस्टेंस इच 400 रखिए। देखो समझो, इस नॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछ रहा है, तो देखो इसको एरर के साथ पूछा है। जैसे द रेजिस्टेंस, द नॉन रेजिस्टेंस विद एरर लिमिट, विद एरर लिमिट आर प्लस माइनस डेल्टा। ये आर की ट्रू वैल्यू है और ये आपकी यहां पर मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर है, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर, और उसको ऐसे लिखा जाता है ओम में, नॉन रेजिस्टेंस विद एरर लिमिट। अच्छा, इसमें एक चीज और दे रखी है कि लीस्ट काउंट ऑफ द स्केल यूज इन 1 मीटर ब्रिज इज 1 मिलीमीटर। जानते हो किसी इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट होता है, ये उस इंस्ट्रूमेंट द्वारा मेजर की गई सबसे मिनिमम एक्यूरेट वैल्यू होती है। लेकिन हम जब भी किसी इंस्ट्रूमेंट में मैक्सिमम एरर कंसिडर करते हैं तो लीस्ट काउंट के बराबर कर लेते हैं। किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जो मैक्सिमम एरर हो सकता है वो लीस्ट काउंट के बराबर हो सकता है। तो इसकी लेंथ को इससे मेजर करा जा रहा है स्केल के द्वारा, इसलिए इसकी लेंथ में जो मैक्सिमम एरर आएगा वो 1 मिलीमीटर का हो सकता है। जैसे इसकी ये लेंथ यहाँ पे मीटर स्केल द्वारा ये बैलेंसिंग लेंथ नापी गई होगी, ये आई जी है, 0 है, तो ये बैलेंसिंग लेंथ मान लो ये एल है। जब ये मेजर की गई होगी तो इसकी लेंथ में जो एरर आया होगा उसे ऐसे लिखेंगे एल प्लस माइनस के डेल्टा एल। ये तो लेंथ की ट्रू वैल्यू और ये उसमें एरर, तो लेंथ की ट्रू वैल्यू 40.0 सेंटीमीटर में और ये मिलीमीटर में रखा है। जानते हो आपका 1 मिलीमीटर 0.1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, तो प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर ये लेंथ की ट्रू वैल्यू और यहाँ पीछे लिखो भार सेंटीमीटर में, ये उसमें एरर। अब जैसे ये वाली जो लेंथ होगी ये 60 सेंटीमीटर रही होगी, 60.0 सेंटीमीटर ये वाली, और इसकी जो है इसे 100 माइनस एल लिख सकते हैं, 100 माइनस एल प्लस माइनस डेल्टा 100 माइनस एल, ये पूरा ऐसे इक्वल टू इसे लिख सकते हैं 60.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। हमसे ये पूछ रहा है बेटा, इसकी वैल्यू पूछ रहा है किस कैसे निकालोगे आप, ठीक है, इसको इस तरह से लिखना है। तो पहले इसमें मीटर ब्रिज का कंसेप्ट लगाएं कि मीटर ब्रिज इज बेस्ड ऑन बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज इज बेस्ड ऑन बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो देखो आप चाहो तो इसको इस तरह से रीड्रॉ कर सकते हो कि यहाँ पर इसको इस तरह से कर लो, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बेस्ड है, से बना लो बैलेंस की। देखो ये वाला पॉइंट मैंने मान लो ए है, ये वाला बी है, तो मैंने ये वाला ए डाल लिया और ये वाला बी, और इससे मैंने जोड़ दिया एक बैटरी, और यहाँ एक एम पॉइंट डाल देता हूँ और यहाँ पे एन, तो यहाँ एम डाल दिया है, यहाँ एन डाल दिया है, और बीच में लग रहा है आपका गैल्वेनोमीटर और इसमें कोई कट नहीं है, नो डिफ्लेक्शन। ए और एम के बीच में लग रहा है आर, और ये एम और बी के बिटवीन लग रहा है 90, और इस वायर का रेजिस्टेंस क्योंकि इसका एरिया क्रॉस सेक्शन और रेजिस्टिविटी सेम है, एक ही मेटल का है और सेम एरिया क्रॉस सेक्शन का है, कांस्टेंट है, तो आर प्रोपोर्शनल टू एल होगा, तो इसकी लैम्डा मान लेते हैं कूलाम पर ओम पर सेंटीमीटर, सॉरी इसकी 1 सेंटीमीटर लेंथ का रेजिस्टेंस हम लैम्डा ओम पर सेंटीमीटर मान लेते हैं, तो इसकी 40 सेंटीमीटर लेंथ का रेजिस्टेंस हो जाएगा, एल लेंथ का मान लेता हूँ, चलो एल लेंथ लिख देता हूँ, एल लेंथ का रेजिस्टेंस हो जाएगा लेमडा एल ओम।
और इसकी 100 माइनस एल लेंथ मान लेता हूँ, 100 माइनस एल सेंटीमीटर है ना, तो ये इसका हो जाएगा लेमडा 100 माइनस एल ओम रेजिस्टेंस। 1 सेंटीमीटर लेंथ का रेजिस्टेंस लेमडा, तो एल लेंथ का रेजिस्टेंस जो होगा वो लेमडा एल हो जाएगा। अब ये बैलेंस वेट सिस्टम भेज है, तो इफ अगर आई जी जीरो है तो इसका इसका प्रोडक्ट, इस रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन और इसका मल्टीप्लिकेशन बराबर होगा, या इसका रेशियो कह दो और इसका रेशियो कह दो, एक ही बात होती है। मैं प्रोडक्ट से करता हूँ तो क्या करूँ, आर का और लेमडा 100 माइनस एल ओम सेंटीमीटर, चलो इक्वल टू ओम आ गया बेटा है ना, इतना प्रोडक्ट और इसका इसका लेमडा 90 लिख देता हूँ, 90 इंटू लेमडा एल। देखो आप चाहो तो क्या करते हैं, जैसे इसका इसका रेशियो करते हैं तो आर बाई 90 नीचे आ जाएगा और ये इसके नीचे आ जाएगा, तो एक ही बात है, इसका रेशियो एक ही बात होती है, लेमडा से लेमडा कैंसिल हो गया। तो आर 100 माइनस एल इजिकल टू 90 और इंटू एल, यहाँ से आर निकालें तो 90 एल ओवर 100 माइनस एल, आप ये ले सकते हो ठीक है। ये एक फॉर्मूला बन गया एक तरह से, इसका फॉर्मूला में याद नहीं करना होता, हमेशा कंडीशन ऑफ बैलेंस बिटवीन सिस्टम्स लगाया करो। अब यहाँ से आप आर की ट्रू वैल्यू निकाल सकते हो, यहाँ से आप आर की ट्रू वैल्यू निकाल सकते हो, तो आर की पहले ट्रू वैल्यू निकाल लो, तो आर इज इक्वल टू 90, एल की ट्रू वैल्यू कितनी है बेटा, तो एल की ट्रू वैल्यू है 40.0 एल की, तो आर एल की ट्रू वैल्यू लिख दो आप यहाँ पे कितनी 40.0 डिवाइड बाई, ऐसे ही इसकी ट्रू वैल्यू कितनी है, इसकी इसकी 60.0 है, 60.0 इससे तो ये हट गया, तो ये पूरा कट गया देखो ऐसे, और 2 से काट दिया 2 बार और 2 से काट दिया 3 बार, 3 से कट गया कितनी बार, ये 3 बार, 60 आ गया बेटा ये। तो आर की जो ट्रू वैल्यू है वो तो 60 ओम हो गई, आर की जो ट्रू वैल्यू है वो तो 60 ओम हो गई। अब इसका हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर निकालना है, उसको दो तरीके से निकाल सकते हो आप, यहाँ से ही निकाल सकते हो, आर इक्वल टू 90 एल ओवर 100 माइनस एल। एक तो आपको ये डायरेक्ट पता हो, जब आपने एरर ऑफ मेजरमेंट पढ़ा होगा ना तो एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि एक्स इक्वल टू ए बी ओवर सी, मल्टीप्लीकेशन में भी है और डिवीजन में भी है, तो इसे ऐसे लिखते थे हम, ये कंसेप्ट था डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, ये इसका मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर निकाला है मैंने, सॉरी मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर निकाला है, क्या निकाला है, ये मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इक्वल टू डेल्टा ए ओवर ए प्लस डेल्टा बी ओवर बी और प्लस डेल्टा सी ओवर सी, ये था। सर ये प्लस क्यों, माइनस आएगा नीचे, तो जानते ये हमने जो वैल्यू निकाली है ये मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर बोलते हैं इसको, या रिलेटिव एरर बोल सकते हो, मैक्सिमम रिलेटिव एरर, उसमें सब में प्लस आता है। ये कंसेप्ट ऑफ एरर ऑफ किसका कंसेप्ट है आपका, ये एरर ऑफ मेजरमेंट का है ना, ये अगर आपको पता है तो ऐसे यहाँ लगाओ डेल्टा आर अपॉन आर, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल लें है ना, तो 90 में तो कोई एरर होगा नहीं, क्योंकि 90 एक कॉन्स्टेंट टर्म है ना, तो 90 में तो कोई एरर नहीं होगा, तो 90 वाले को तो छोड़ दो, इन दोनों लेंथों में ही एरर है बेटा, ये जो रेजिस्टेंस है ये तो स्टैंडर्ड दे रखा है यहाँ पे हमें, तो इसका मैं इसमें कोई एरर नहीं, लेंथ में हमारा एरर हुआ है इस वाली 0.1 का, इसमें मैक्सिमम 0.1 सेंटीमीटर का, तो इसीलिए लेंथ में हुआ इस वाली में, तो लिख सकते हो उसे डेल्टा एल वाई एल प्लस प्लस कितना डेल्टा 100 माइनस एल ओवर कितना 100 माइनस एल है ना, ऐसा ले सकते हो। लेकिन ये जो निकल के आ रहा है ये मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर निकल के आया बेटा आपका, तो यहाँ से डेल्टा एल बाकी डेल्टा एल के लिए तो 0.1 है, 0.1 ये रही, और डिवाइड बाई एल है 40.0 प्लस ये जो वैल्यू है ये आपकी 0.1 है ये भी, और लेंथ है 100 माइनस एल 60.0, तो ये डेल्टा आर अपॉन आर आया यहाँ से। अभी एक तरीके से और बताऊंगा इसको, इसको अगर आपको ऐसे ये मैक्सिमम पर्सनल एरर वैसे होता है
नहीं आया आता है तो आपको एक तरीके से और बता दूंगा, डिफरेंशिएशन मेथड से भी कर सकते हैं उसको, डेल्टा आर ओवर आर इक्वल टू इस पॉइंट को, इस पॉइंट वन है ना, या एक काम करो आर का मल्टीप्लाई कर लो इसमें, आर इक्वल टू इधर आ जाएगा 60, इस पॉइंट से पॉइंट उठा दो तो 1/400 हो जाएगा ये, प्लस इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट उठा दो तो 1/600 हो जाएगा, ठीक है। इसका इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 60/400 प्लस 60/600, ये 0 से ये 60 से कितनी बार जाएगा, 10 बार, और ये 0 से 0 और ये आपका 3 और ये 20 है ना, 20 का डिवाइड कर लो इसमें तो ये आएगा, 2 का डिवाइड करेंगे तो 0.5, तो 0.1.1.5 आ जाएगा और ये 0.1 आ जाएगा ऐसे, और ये आपका यहाँ पे जो है ये आ गया आपका, मैंने इधर आर का मल्टीप्लाई कर लिया तो ये डेल्टा आर आ गया, तो डेल्टा आर की वैल्यू इतनी हो गई, तो डेल्टा आर इज इक्वल टू जो हो गया वो हो गया 0.25, इतना आया बेटा। इसीलिए अगर हम इसकी वैल्यू लिखेंगे आर की, तो आर प्लस माइनस डेल्टा आर हमसे पूछा है, तो आर की वैल्यू तो 60 है, इसकी वैल्यू प्लस माइनस 0.25, ये एरर के साथ हमने इसकी आर की वैल्यू निकाल ली, इसलिए इसका आंसर होगा 60 प्लस माइनस 0.25। अच्छा, इसको एक करने का तरीका और है कि जैसे हमारा ये रिजल्ट आ रहा था ना, आर इक्वल टू 90L/100-L, इसमें पहले टेकिंग द लॉग बोथ साइड का लॉग ले लो, इसमें उसे लिखेंगे लॉग ई आर इज इक्वल टू, इसमें लॉग एम इंटू एन का फॉर्मूला लगाएंगे और इसमें लॉग एम बाई एन का फॉर्मूला, तो लॉग ई 90 प्लस लॉग ई एल माइनस लॉग ई 100-L ऐसा लिख सकते हो आप। इसमें मैंने लॉग एम इंटू एन, लॉग ई प्लस लॉग एन, इसमें नीचे वाले में माइनस वाला फॉर्मूला लगाया है। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एल, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एल कर लो, तो इसको लिखेंगे कितना, 1/r लॉग आर का डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एल कर रहे हैं, तो डी आर वाई डी एल, 1/r डी आर वाई डी एल इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा कॉन्स्टेंट फॉर्म में पूरा, तो 0 हो गया। इसका करो तो माइनस के कितना 1/ सॉरी प्लस के 1/L, इसका करो तो माइनस का 1/100-L, क्योंकि अब इसका द्वारा से डिफरेंस करेंगे डी ओवर डी एल 100-L, तो उसे करते तो डी ओवर डी एल द्वारा से करेंगे ना इसका 100-L, क्योंकि एल नहीं है ये, तो 100 का तो 0 हो जाएगा और एल का हो जाएगा -1, तो कितना आएगा -1 आएगा, तो यहाँ पे -1 का मल्टीप्लाई और चलेगा, तो ये हो जाएगा 1/r डी आर बाई डी एल इक्वल टू 1/L प्लस 1/100-L ऐसे। इस डी एल का मल्टीप्लाई आप यहाँ कर लो तो डी आर बाई आर हो जाएगा बराबर डी एल बाई एल हो जाएगा प्लस डी एल बाई 100-L, इसे आप ले सकते हो ऐसे डेल्टा आर बाई एल, क्योंकि ये स्मॉल चेंज है ना, डी आर का मतलब क्या होता है स्मॉल चेंज, और डेल्टा आर का मतलब होता है वेरी लार्ज चेंज कर देते हैं बस केवल, तो ऐसे लिखना चाहो लिख लो, ठीक है, नहीं ऐसे डेल्टा एल बाई एल और प्लस डेल्टा एल ओवर 100-L, देखो तो ये वही रिजल्ट आ गया आपका, एक तरीका ये है, या फिर एक तरीका ये है कि इसे प्रूफ करो, इसे प्रूफ भी कर सकते हैं, एक आप ऐसे लिखते हो आर प्लस डेल्टा आर, फिर इसे भी 90 में तो कोई एरर नहीं है, फिर इसे लिखते हैं एल प्लस डेल्टा एल, फिर इसमें एरर लिखते है ना, पूरा एरर के साथ लिखते हो उसको, फिर बाइनोमियल थ्योरम एरर लगाते, वो उसमें मत जाओ बहुत बड़ा हो जाता है वो, अगर आपको फिर भी उसमें जाना है कि वो कैसे आता है डेरिवेशन स्टाइल जो होता है, तो मैं इसके लिंक दे दूंगा एरर ऑफ मेजरमेंट वाले चैप्टर की, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला जो डेरिवेशन करते हैं वहाँ से आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है, मैं चैप्टर की लिंक दे दूंगा उसको, एक वीडियो को भी पढ़ते रहिए और खुश रहिए।